वेलकम टू माय एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स। सेवेंथ क्लास मैथमेटिक्स। यूनिट नंबर वन और सेट्स पे ये टॉपिक है। और एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 6 का अपलोड होगा। इसमें x है आपका, इफ x सेट इज, इट इज 1, 2, 3, इट इज अप टू 10, यानी 1 से लेके 10 तक जो एलिमेंट्स हैं वो इस सेट के अंदर गिवन है। देन सेट वाई इट इज 2, 4 6 8 12, ये सेट वाई के एलिमेंट्स हैं। नाउ सेट जी के जो एलिमेंट हैं वो 2, 3 5, 7, 11 है। देन फाइंड, आपने जो पार्ट ए में एक्स यूनियन वाई यूनियन जी, आपने ऑल जो एलिमेंट्स हैं उनको मिला के लिखना है। पहले 1 होगा, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5, देन 6, देन 7, देन 8, देन 9, 9 के बाद 10, 11, 12, ये आपके हो जाएंगे जब इनको सबको आप कंबाइन फॉर्म में लिखेंगे, जब आप यूनियन करेंगे। यूनियन में ये आपके सारे के सारे एलिमेंट्स होंगे 1 से लेके 12 तक। अब आपने इंटरसेक्शन फाइंड करना है, वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो इन सब में मौजूद हों। अब देखें, सबसे पहले 2 सब में मौजूद है, आप यहां लिख देंगे 2, 2 के बाद 3, यहां पे दोनों में है इसमें नहीं है, या 4 है इसमें 4 है इसमें 4 नहीं है, देन 5 जो इसमें है इसमें नहीं है, देन 6 भी नहीं है, 7 इसमें है इसमें नहीं है, 8, देन
आपके पास और कोई एलिमेंट इसका आपका कॉमन नहीं होगा। टू ही आपका आंसर है, ये इसके अलावा कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। इसके साथ ही इसका सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। अब मैं रिव्यू करवा देता हूँ आपको इसका। सेवेंथ क्लास मैथमेटिक्स में यूनिट नंबर वन टॉपिक का नाम है सेट्स। एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 6 का अपलोड इन प्रोसेस है। थ्री डिफरेंट सेट्स आर प्रोवाइडेड एक्स वाई जी। एक्स के एलिमेंट 1, 2, 3 अप टू 10 हैं और y के एलिमेंट 2, 4, 6, 8, 12 हैं और z के एलिमेंट 2, 3, 5, 7, 11 हैं। आपने फाइंड करना है पार्ट वन में x यूनियन y यूनियन z। अब y यूनियन z अलग करके भी बाद में इनका इंटरेस्ट यूनियन फाइंड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया है। जैसे आपकी चॉइस है आप दे सकते हैं। इसी तरह आप यहाँ पे b इंटरसेक्शन c अलग से फाइंड कर लें, उसके बाद a का आप इंटरसेक्शन फाइंड कर लें। दोनों सूरतों में बात एक ही है, मैंने इसका डायरेक्ट जवाब दे दिया है जो कि 2 है। अगर आपको मेरी ऑनलाइन टीचिंग सर्विसेज रिक्वायर्ड हो तो उसके लिए मैंने सेल नंबर आपको प्रोवाइड कर दिया है। यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन दैट नंबर। थैंक यू वेरी मच।